भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। उपरोक्त पंक्तियां हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लोक भवन विधानसभा मार्ग लखनऊ में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे। सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि शब्दों के रूप में और उनके साथ रहने के अनुभव के रूप में अर्पित की। पुष्पों की श्रद्धांजलि तो सभी समर्पित करते हैं, लेकिन जो शब्दों की श्रद्धांजलि उनको दी गई वह अद्भुत थी। मंच संचालन हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। उन्होंने भी कई उदाहरण अटल जी के प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि अटल जी के भाषण को लोग चोरी चुपके सुनने के लिए विपक्ष के लोग आते थे। अटल जी की जन्म से लेकर मृत्यु तक की यादों को शब्दों में रूप में 11 मालों में पिरोकर श्रद्धांजलि के रूप में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी और कहा, अटल जी के सपनों को हम लोग साकार करेंगे और अटल के सपनों का भारत बनाएंगे। उनका सपना 370 और 35 ए धारा कश्मीर से हटाने का साकार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली श्रद्धांजलि के रूप में कश्मीर को स्वतंत्र कराकर उनको समर्पित की। आज अटल जी ऊपर से देखकर खुश हो रहे होंगे कि हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और विश्व में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल जी के हर सपने को साकार किया। सभी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने, पद अधिकारियों ने, मंत्रियों ने पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हम लोग संगठन को इतना मजबूत बनाएंगे कि जिसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। हर कार्यकर्ता संगठन को मजबूत बनाने में जुट जाए, यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे माननीय अटल जी को समर्पित होगी। सामने आया, आज आप देखते होंगे हर गरीब के पास राशन कार्ड है, हर गरीब के पास मोबाइल फोन है, हर गांव को जोड़ने के लिए सड़क योजना है। इस देश के अंदर राजमार्गों को भी अंतरराष्ट्रीय मानक के राजमार्ग में बदल सकते हैं। ये सोच किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल जी ने वो सोच दी थी। आज उसका परिणाम है कि देश के 6 लाख गांव पक्के मार्गों से जुड़े हैं। देश के अंदर हर राजमार्ग 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन के बने हैं या बन रहे हैं। देश के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और हर गरीब के पास सब्जी बेचने वाला हो या रिक्शा चलाने वाला हो, उसके पास भी मोबाइल फोन है। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को प्रदर्शित करता है, जो भारत के अंदर बिना भेदभाव के एक व्यवस्था देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, जिस अपेक्षा के साथ जनता ने चुना था, वो सरकार उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब को आवास मिले, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिले, हर गरीब के पास अपनी रोजगार की सुविधा हो, हर गरीब को स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो, हर गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये जितने भी कार्यक्रम हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, इस भाव को साकार करने के लिए आज सरकार कार्य कर रही है, तो अचानक ये बात सामने नहीं आई। अटल जी की प्रेरणा इसके अंतःकरण में है। जो कार्यक्रम उन्होंने 1998 में प्रारंभ किए थे, सफलतापूर्वक 2004 तक चलाए थे, 2004 से 2014 के बीच में बाधक भले ही हुए होंगे, लेकिन जो कहा जाता है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता,